नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में अब कक्षा 6 से 11 तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। इसे लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए जल्द प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री के अनुसार 1 फरवरी से कक्षा 6 से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। मंत्री अरविंद पांडे ने आज सचिवालय में प्रदेश में शिक्षा, शिक्षण और शैक्षणिक कार्यों की स्थिति जानने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उक्त बैठक में पूर्व में लिए गए निर्णयों तथा आदेशों का संज्ञान लिया। साथ ही अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से संबंधित जारी शासन देशों के अनुपालन, प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया, जल्द ही कक्षा 6 से विद्यालयों को खोलने, विभागीय पदोन्नति, नियुक्ति प्रक्रियाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया। मंत्री ने कहा कि कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 11 की कक्षाओं को सुचारू रूप से खोलने का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में शामिल कराएं, ताकि 1 फरवरी से स्कूल खुलने की तैयारी की जा सके। कि जो अध्यापक अपने किसी व्यवस्था के कारण सत्रांश लाभ नहीं ले सकता, वह आवेदन करेगा, अन्यथा सत्रांश लाभ सभी अध्यापकों को दिया जाएगा। जिसको इसमें लाभ नहीं लेना है वो आवेदन करेगा, बाकी किसी को आवेदन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है। आज कोविड-19 के दौरान बहुत समय से स्कूल बंद है और हमने विभाग को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री जी के लेवल पर निर्णय होना है, बहुत जल्दी कक्षा 9 के और 11 के ये कक्षाएं खोली जाएं, इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाए और 1 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के स्कूल भी खोले जाएं, यह प्रस्ताव बनाने के लिए हमने निर्देशित किया है। क्योंकि डिसीजन कैबिनेट ने लेना है, मुख्यमंत्री जी ने लेना है, लेकिन विभाग इसके प्रस्ताव बना के भेजे, ऐसा हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है।